नमस्कार, मैं मुकेश जानी आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, जन्म पत्री में शनि, राहु और केतु ठीक नहीं है, या तो ये तीन ग्रह की वजह से, तीनों में से कोई एक ग्रह की वजह से भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, आपके बनाए हुए काम बिगड़ जाते हैं, रुपयों की तंगी आपके जीवन में हमेशा रहती है, रुपयों की चिंता आपके दिमाग के ऊपर बनी रहती है, परिवार में क्लेश रहता है, खास करके रुपयों की तंगी की वजह से। दोस्तों, आज उपाय जो शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय आप हर दिन करें, लगातार करें, जितने भी दिन कर सकते हो उतने दिन करें। समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई दिन नहीं कर सकते हैं तो भी कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है, फायदा ही फायदा है। जितने ज़्यादा दिन आप ये उपाय करेंगे तो शनि से जुड़ी समस्या, राहु से जुड़ी समस्या या तो केतु से जुड़ी जो समस्याएं आपके जीवन में है, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये तीनों ग्रह शांत हो जाएंगे और शुभ दृष्टि प्रदान अवश्य करेंगे। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए, परिवार से जुड़ जाए। दोस्तों, मेरी एक दूसरी चैनल है दिव्य टोटके, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरी चैनल की लिंक रखी है। ये वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम लिखें, वीडियो देखने के बाद जय श्री राम लिखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ लिंक ओपन करें, वहाँ वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये उपाय आप हर दिन करेंगे, सूर्यास्त के बाद करेंगे, सूर्य अस्त हो जाए बाद में एक घंटे के बाद आप करेंगे। जब सूर्य अस्त होता है तब शनि और राहु, शनि राहु और केतु का उदय होता है। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम दिशा से शनि राहु और केतु का उदय होता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा ही काम करना है। एक लोहे का छोटा बर्तन ले जिसमें हम दीपक जला सके, यह तो लोहे का दीपक है, स्टील का है, लोहे का दीपक है। आपके घर की पश्चिम दिशा में, आपके बेडरूम में ये उपाय नहीं करेंगे, बाकी कोई भी घर के पश्चिम वाली दिशा में, वेस्ट में इस दीपक को रख दे। ये प्रयोग आप थोड़ा हाथ पैर मुंह धो के करेंगे, स्वच्छ होने के बाद करेंगे। लंबी बाती वाला, खड़ी बाती वाला कोई भी दीपक आप जला सकते हैं। उस दीपक में सरसों का तेल डालें, वो दीपक को आप जलाएं। अब दीपक जलाने के बाद में सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके घर की जो भी लाइटें हैं सभी लाइटें बंद कर दें। घर में एक भी इलेक्ट्रिक का लैंप लाइट चालू नहीं होनी चाहिए, सभी लाइटें 5 मिनट के लिए बंद कर दें। वो दीपक की रोशनी पूरे घर में फैलने दें। दोस्तों, मामूली सा लगने वाला ये प्रयोग इतना सटीक है, कई लोगों को मैंने ये प्रयोग दिया है और लोगों को फायदा भी हुआ है। दोस्तों, आप भी उपाय करके देखें, मगर एक बात याद रहे, सूर्य अस्त हो जाए बाद में एक घंटे के बाद आप ये उपाय करेंगे। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।